तुधना में हरिनगर दो के पीछे रामकृष्ण इंडस्ट्रीज के एक कारखाने के मालिक के साथ ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के एक व्यापारी पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में थाने में मामला दर्ज किया गया। उधना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अल्थान निवासी नीरव शर्मा ने शिकायत में कहा कि उसका खाता रामकृष्ण इंडस्ट्रीज हरिनगर दो के पीछे जो आता है उधना के पीछे है। शारदा विहार सोसाइटी के बराछा निवासी बाजार में दुकान के मालिक हैं भूपत पटेल उर्फ साकरिया। उन्होंने बड़ी बड़ी बात करके विश्वास में लिया और उसके बाद 9,42,000 रुपए का माल ले लिया और बिना पैसे दिए ठगी कर ली। मामला उधना पुलिस के पास दर्ज करा गया और घटना की पूरी जानकारी दी गई है। घटना की जानकारी के बाद उधना पुलिस जांच में जुटी हुई है। रामकृष्ण फैशन रामकृष्ण वेलवेट नाम की हूँ उधना विस्तार में रामकृष्ण इंडस्ट्रियल सोसायटी में मारो खातु धराव छूँ। आज थी बे वर्ष पहला भूपत भाई रवजी भाई साकरिया मारा खाते आया था अने तेमने मने पोतानी ओळखाण अने जान पहचान आपी ने मारी पासे माल नी मांगणी करेल हती। मारो वेलवेट नो कॉन्ट्राक्ट छे अने तेमने मने बीजा पण कॉन्टेक्ट आप्या था कि हूँ आ लोको पासे माल लऊं छूँ रेफरन्स तरीके। तो अमे लोगनी खराई कर माल आप माल कुल पहला दिवसे अमरी पास 4,50,000 लीधेलो एम विश्वास में लेवा मैंने 1,00,000 पेमेंट तो तरह ने तरह चेक लखी आप दीदा तो टेक्सटाइल धारा प्रमाण 30 दिवस उधारी आप पड़े एम हो तो एमने 30 दिवस फरक में चेक लखी आप दीदेलो। त्यारबाद 1 महीना अंदर ज मरी पास कुल 9,42,684 रुपया माल मंगावेल अने बाद में तेमनो पेमेंट ड्यू थता ए चेक भरता चेक बाउंस थयो हतो। पछी अमे लोको वारंवार उघराणी करी अने उघराणी में एमने अवारनवार नवा बहाना काढ्या अने पछी कोरोनानो माहोल चालतो हतो तो पेमेंट ड्यू लेट थयुं अने तेमने अचानक ज दुकानने ताळा मारीने रातोरात माल भरीने एमने उठावणो करीने जता आव्या। हवे आ वातने जाण अमने थता अमे लोकोए पोलीस फरियाद करेली हती अने एमनो कॉन्टेक्ट नंबर गोतवाणी ट्राई करेली हती। પછી કોન્ટેક્ટ નંબર મળતા પાછા ફરી તે મારા કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા તેમણે મને 2-4 વાર બોલાવ્યો મળવા માટે અને પછી લાસ્ટ ટાઈમ રૂબરૂપમાં એમણે મને એવું કહી દીધું કે નીરવભાઈ હવે પેમેન્ટમાં તો વધારે ધક્કા ખાશો તો સુરત શહેરમાં અવારનવાર રોજબરોજના ઘણા એક્સિડન્ટો થાય છે એક્સિડન્ટમાં તમારો નંબર આવતો વાર નહીં લાગે અને હતા નહોતા થઈ જશો। ત્યારબાદ હું ગભરાઈને પોલીસ સ્ટેશન ગયો અને અમારા ફોગવાની અમારા વિવર્સ એસોસિએશનની ઓફિસ છે ફોગવા બરાબર છે ત્યાંના પ્રમુખ છે અશોકભાઈ જીરાવાલા સાહેબ એમને મેં રજૂઆત આપી। અશોકભાઈ જીરાવાલા સાહેબ મારી સાથે ઉધના પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા અને ઝાલા સાહેબ આપણે પીએસઆઈ ઝાલા સાહેબ પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ અને બી ડિવિઝનના પીએસઆઈ અંસારી સાહેબ આ લોકોની સાથે તેમને બેઠક કરી અને આમની સામે એક્શન લેવા માટેની ભલામણ કરી તુરંત જ ઉધના પોલીસ દેખતે રહે સ્ટાર ન્યૂઝ નેટવર્ક બને રહે અમારી સાથે।